हेलो एवरीवन कैसे हैं सब होप सब अच्छे होंगे तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी नवंबर एग्जाम के लिए और माइंड में यह भी चल रहा होगा नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्जाम्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है इंस्टीट्यूट ने एक अकेडमिक अपडेट अपनी वेबसाइट पर होस्ट किया है फॉर सी ए फाइनल पेपर नंबर थ्री एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड पेपर नंबर फोर कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के लिए उन अकेडमिक अपडेट्स के अंदर उन्होंने बताया है कि नवंबर ट्वेंटी एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी अमेंडमेंट इन दोनों पेपर के अंदर आप लोगों को कवर अप करनी है ये वो अमेंडमेंट्स हैं जिनको इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी मटेरियल जो अगस्त 2019 में इशू किया गया था सो so, दो चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल अगस्त 2019 एडिशन में कवर कर चुका है उन अमेंडमेंट्स को इंस्टीट्यूट ने इस अकेडमिक अपडेट में कवर अप नहीं किया है तो आपको इन अमेंडमेंट्स को दो पार्ट में कवर करना पड़ेगा एक वो जो अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के अगस्त 2019 के स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कंसीडर हो चुकी थी एंड सेकंड जो अब इंस्टीट्यूट ने अपने एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पर रिलीज की है सो so, इन सारी अमेंडमेंट्स को कंसीडर करते हुए आपके पास दो तरह की वर्किंग आ गई है स्टडी मटेरियल एंड अकेडमिक अपडेट मैंने आप लोगों को कुछ अमेंडमेंट्स में 2020 एग्जाम्स के लिए पहले ही प्रोवाइड की थी वही अमेंडमेंट्स नवंबर 2020 एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको और कवर अप करने हैं सो स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को लेकर कि इसमें इंस्टीट्यूट ने किन किन अमेंडमेंट्स को कवरअप किया है यह इंस्टीट्यूट के अकेडमिक अपडेट है इन रिलेशन टू ऑडिट पेपर ऑडिट पेपर में तीन अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने इस अकेडमिक अपडेट में बताई है फर्स्ट पहली अमेंडमेंट्स जो है वो है चैप्टर नंबर फाइव कंपनी ऑडिट के अंदर इस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट हैं वो देख लेते हैं और कौन सी अमेंडमेंट रेलिवेंट है फर्स्ट वन इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर एक चेंज को बताया है कि गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन में जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड होता था वो वर्ड टोटल वोटिंग पावर के बेसिस पर कंसीडर किया जाएगा यह चेंज जो आया है यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जाम्पन नोटिफिकेशंस थी उसके थ्रू जो एग्जामशंस प्रोवाइड की गई थी उसके थ्रू इस चेंज को इंट्रोड्यूस किया है लिखा हुआ भी है ियल एज पर नोटिफिकेशन डेटेड सेकेंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी बाई वे ऑफ एग्जम्शन टू गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन फोर सिक्सटी टू विद इफेक्ट फ्रॉम थर्ड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो गवर्नमेंट कंपनीज केस में जब हम सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव में गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन को स्टडी करते थे और कहते थे गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस दैन फिफ्टी वन परसेंट पेडअप शेयर कैपिटल इज बिंग हेल्ड बाई देंट्रल गवर्नमेंट और फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल था वो पेडअप शेयर कैपिटल एज अ टोटल वोटिंग पावर कंसिडर होगा टोटल वोटिंग पावर कोई अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट कहूं मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच मुझे नहीं लगती बट छोटी सी अमेंडमेंट है और आपको याद भी हो गई हो कि पेड अप शेयर कैपिटल को एज अ टोटल वोटिंग पावर कंसीडर किया जाएगा आगे बढ़ते हैं नंबर दो पर जिस अमेंडमेंट का जिक्र किया गया वो सेक्शन 197 नाइनटी 16 के अंदर है जब आप कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल का चैप्टर पढ़ते हैं और उसके अंदर मैनेजरल रेमुनरेशन की लिमिट्स का सेक्शन 197 आता है तो वहां पर सब सेक्शन 16 कहता है कि एज अ ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कि क्या डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन जो पे किया गया है वो लिमिट के बियॉन्ड पे किया गया है क्या द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शेल्फ In his report under section 143, makes a statement that the remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provisions of this section. This section section 197. Section 197. Whether remuneration paid to any director is in excess of the limit paid limits laid down under the section. जो लिमिट्स है वो आपको पता है सेक्शन 197 की 11 परसेंट फाइव परसेंट वन परसेंट थ्री परसेंट टेन परसेंट ओवरऑल लिमिट 11 एक सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर फाइव परसेंट एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है उनका एग्रीगेट टेन परसेंट पार्ट टाइम डायरेक्टर वन परसेंट यदि में यदि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है अदरवाइज मैक्सिमम थ्री परसेंट तो क्या डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन दिए गए हैं वो इन लिमिट के बियॉन्ड दिए गए हैं तो ऑडिटर को अपनी एक स्टेटमेंट देनी होती है अपनी रिपोर्ट में सेक्शन 143 के अंदर एक क्वेश्चन एराइज हुआ कि सेक्शन 143 के अंदर ये जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो तो ये ऑडिट रिपोर्ट के कौन सेक्शंस में आएगी जब आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है एस एस तो उसमें आपने स्टडी किया था कि ऑडिटर की रिपोर्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है वन इज ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फिनेशियल स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर कारों की रिपोर्टिंग वन फोर्टी के मैटर्स की रिपोर्टिंग वो सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग तो उसी सेक्शन के अंदर ये रिपोर्टिंग करनी है As per advisory issued by ICAI, the effort set reporting requirements for auditor of public companies need to be covered in the auditor report under the section Report on Other Legal and Regulatory Requirements. Report on Other Legal and Regulatory Requirements. तो वहां पर इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी कि क्या डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन जो लिमिट्स बताई गई हैं सेक्शन 197 में उसी की अकॉर्डिंग दिया गया है या उससे ज्यादा पे किया गया है यह दूसरी अमेंडमेंट तीसरी अमेंडमेंट यह है नफरा की नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए सेक्शन 132 के अंदर सब सेक्शन 1 ए इंट्रोड्यूस हुआ और कहा गया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल परिवीजन एज मे बी प्रिस्क्राइब इस सेक्शन को सिलेबस का पार्ट बनाना मुझे नहीं लगता कोई रेलिवेंसी थी रीजन बिंग इंस्टीट्यूट ने वैसे ही सेक्शन 132 की काफी सारी चीजों को सिलेबस का पार्ट पहले से ही नहीं बना रखा अब एक नया सब हुआ, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स को कवर नहीं कर रहे लेकिन आप सबसे कह रहे हैं यस ये आपको कवर करना है तो ठीक है आरटीपी में आपने लिख दिया आप कवर कर लीजिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शेल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिवीजन एज मे बी प्रिस्क्राइब बस एनएफआरए की डिविजन बनेगी और एनएफआरए उन डिवीजन के थ्रू अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी इसके बाद सेकेंड जो चेंज है सेकेंड चेंज है वो एवरी ऑडिटर रेफर टू इन रूल थ्री जो नफरा के आपने रूल पढ़े हुए हैं शल फाइल अ रिटर्न विद द नफरा ऑन और बिफोर थर्टीथ नवंबर एवरी ईयर इन फॉर्म नफरा टू ये आप देखेंगे तो ये नफरा रूल्स के अंदर रूल नंबर फाइव में आपको ये प्रोविजन मिलेगा अर्लियर जो ये टाइम था ये टाइम था थर्टियथ अप्रैल का अर्यर दिस टाइम वाज थर्टियथ अप्रैल और रूल में लिखा हुआ था प्रिस्क्राइब रूल में लिखा था इन द फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ अब थर्टियथ अप्रैल को चेंज कर दिया गया और थर्टियथ नवंबर डाल दिया गया इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट उस लाइन को डिलीट कर दिया गया और इसकी जगह फॉर्म नंबर टू डाल दिया गया तो ये एक चेंज है जो आपको रूल नंबर फाइव ऑफ नफरा के अंदर कवर अप करना है इसके बाद तीसरा जो चेंज है नफरा में रूल नंबर थ्री के

एंड सब्सिडियर बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन टू ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियर बैंक एक्ट 1959 क्या इस एक्सप्लेनेशन को देखकर आपको लगता है इस एक्सप्लेनेशन को याद करने की आपको कोई जरूरत है आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो कि बैंकिंग कंपनी में आप किन को इंक्लूड करोगे क्या कॉरस्पोंडिंग न्यू बैंक इंक्लूड होंगे नहीं होंगे और होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में क्या आएगा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी एक रिक्वायरमेंट है और या फिर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेरी ओपिनियन में आप इसको छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं नेक्स्ट पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस यह कोई अमेंडमेंट नहीं है रादर एक अपडेट आप इसको कह सकते हो कि सेक्शन 132 थर्टी टू सब सेक्शन फोर सेक्शन वन थर्टी टू सबसेक्शन फोर अर्लियर आपने स्टडी मटेरियल में डाला नहीं था अब आपने इसको स्टडी मटेरियल में डाल दिया डाल दिया कैसे डाल दिया इस एकेडमिक अपडेट के थ्रू यदि आपको ध्यान हो तो इस अटेम्प्ट से पहले जब नफरा पहली बार एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हुआ था नवंबर 2019 के एग्जाम के लिए तो उसकी अमेंडमेंट वीडियो को देखिएगा और उसकी अमेंडमेंट वीडियो के अंदर नफरा के अंदर मैंने आपको सेक्शन 132 के काफी सारे प्रोविजन दिए हैं और उसमें मैंने आपको ये वाला प्रोविजन भी प्रोवाइड कराया था नफरा का यदि आप बुक में देखें एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूं बुक का कंटेंट एक मिनट बस विजुअलाइजर सेटिंग ले रहा है बुक के अंदर और जो इवन आपके पास नोट्स भी होंगे उसमें सेक्शन 132 जो नफरा का सेक्शन है उसके अंदर 132 थर्टी वन इन्होंने कवर किया था टू कवर किया था 132 थर्टी फोर इन्होंने कवर नहीं किया था पहले मैंने इसको लिख दिया था बुक में नॉट इन सिलेबस बट मेरी ओपिनियन में ये पॉइंट अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए था इसलिए मैंने इसको बुक के अंदर कवर कर दिया था अब देखो इसी वन थर्टी टू फोर में से अभी भी इन्होंने सारा वन थर्टी टू फोर नहीं डाला अभी भी थोड़ा सा हिस्सा डाला ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सिलेबस में कवर करना चाहिए था कि नफरा प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है एक मेंबर के मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बट ये अभी भी इन्होंने नहीं डाला सिलेबस में सिविल कोर्ट की पावर होंगी नफरा के पास वो नहीं लिखा हां ये वाला जो पॉइंट है पावर टू इंपोज पेनल्टी कि यदि एक मेंबर का प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है नफरा के पास पावर है ऑर्डर इशू करने की एक पेनल्टी लगा सकते हैं एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक की इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल पांच लाख रुपए से लेकर एक लाख से सॉरी पांच लाख नहीं फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस मैक्सिमम और अदर देन इंडिविजुअल के, के केस में मिनिमम पांच लाख और अप टू टेन टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव इन केस ऑफ पार्टनरशिप ये पहले सिलेबस में इन्होंने नहीं डाला था इसके अलावा एक मेंबर को और एक फर्म को डिबार किया जा सकता है बींग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और वेल्युएशन से भी डिबार कर सकते हैं जो सेक्शन 247 के अंदर एक वैल्यूअर का, का काम किया जाता है फॉर अम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ में एक्सटेंड अपन ईयर अप टू टेन ईयर यह वाला पॉइंट आपकी बुक में ऑलरेडी कवर है नोट्स में भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है बट इंस्टीट्यूट ने क्योंकि सिलेबस में नहीं डाला था पुराने आरटीपी में नहीं डाला स्टडी मटीरियल में नहीं डाला हाँ अब इन्होंने जो ये अकेडमिक अपडेट इन्होंने अब दिया है इसमें डाल दिया देखिए नफरा यर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, हैव द पावर टू मेक ऑर्डर किसका फोर इंपोजिंग पेनल्टी एक लाख से लेकर अप टू फाइव टाइम्स ऑफ द ऑडिट फीस इन केस ऑफ इंडिविजुअल फाइव लैख से लेकर अप टू टेन टाइम ऑफ द ऑडिट फीस इन केस ऑफ फर्म डिबार कर सकता है द मेंबर ऑफ द फर्म फॉर बींग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर और अंडर टेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ दशंस और एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट और परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन अंडर सेक्शन टू फोर्टी सेवन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग टेन ईयरस तो ये ऑलरेडी ये मैंने आपको करा रखा है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था ये सिलेबस का पार्ट बना दिया अच्छा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक और कर गए आप और वो छोटी सी मिस्टेक क्या कर गए इतना जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है देखने पर ऐसा लगता है कि ये सेकंड पॉइंट के लिए कवर है ये सिर्फ सेकंड पॉइंट के लिए कवर है लेकिन ऐसा नहीं है ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड दोनों के लिए है दोनों के लिए है तो इसका यदि मैं इस पॉइंट को छ महीने से लेकर दस साल सिर्फ सेकेंड के लिए मानकर चलूं तो फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है एनी पीरियड नहीं अब देखो नोट्स में क्लियरली मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है वन और टू के नीचे तो यह दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा राइट right? तो ये एक चेंज है जो इंस्टीट्यूट ने अब सिलेबस के लिए एप्लीकेबल कर दिया है कि नफरा की पावर में पेनल्टी इंपोज करने के लिए वो किस एक्सटेंट तक नफरा अपनी पावर को यूज कर सकता है इंडिविजुअल के केस में जो पेनल्टी लगाई जा सकती है एक लाख रुपए से लेकर फाइव टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव फर्म के फर्म के केस में पांच लाख रुपए से लेकर टेन टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव डिबार किया जा सकता है

आगे बढ़ते हैं दूसरा चेंज क्या है दूसरा चेंज है ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का चेंज यह चेंज ऑलरेडी मे 20 एग्जाम के लिए अप्लाई किया गया था बट क्योंकि मे 20 के एग्जाम नहीं हुए नवंबर 20 के एग्जाम में यह एप्लीकेबल होगा और ऑलरेडी इसकी अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को मे 20 के एग्जाम के लिए पहले से ही प्रोवाइड कर चुका हूं तो ये पार्ट खत्म हो गया मेरा तीसरा जो चेंज है इस एकेडमिक अपडेट में वो चेंज है प्रोफेशनल एथिक्स का और प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या चेंज इन्होंने बताया वो चेंज इन्होंने बताया गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग ज्वाइनिंग और एसोसिएशन विद नेटवर्क्स बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस ये ऑलरेडी मे 20 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो चुका था और ऑलरेडी इसकी भी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं खत्म हुआ ये भी इसके बाद कुछ नहीं है और खत्म बस सो इन टोटल जो एकेडमिक अपडेट में चेंजेस की बात की गई है वो इन टोटल तीन चेंज हैं जो बताए गए हैं पहला चेंज कंपनी ऑडिट के अंदर कंपनी ऑडिट के चेंजेस क्या क्या हैं नंबर एक सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव में गवर्नमेंट कंपनीज की डेफिनेशन में अप शेयर कैपिटल को अब एज ए टोटल वोटिंग पावर लेकर चलेंगे दूसरा सेक्शन वन नाइनटी सेवन सब सेक्शन सिक्सटीन कि जो रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी होती है इन रिलेशन टू द रेमुनरेशन पेड टू द डायरेक्टर वेदर इट इज विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 197 या उस लिमिट के एक्सेस में दिया गया है वो रिपोर्टिंग कहां आएगी रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट आपको ध्यान होना चाहिए दो पार्ट में होती है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन के अंदर कारो की रिपोर्टिंग आई की रिपोर्टिंग 143 की रिपोर्टिंग वो सारी रिपोर्टिंग रूल 11 के मैटर्स की रिपोर्टिंग वो सब इसके अंदर आती है तो 197 नाइनटी सेवन सब सेक्शन सिक्सटीन की रिपोर्टिंग भी इसके अंदर आएगी नंबर तीन नंबर तीन में नफरा से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स बताई है नंबर एक सेक्शन 132 थर्टी टू वन ए इसमें कहा गया नफरा विल परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू सच रिविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब बस 132 थर्टी का एक हिस्सा सिलेबस का पार्ट बना दिया गया नफरा की पावर्स टू पास द ऑर्डर इंपोजिंग द पेनल्टी इन केस ऑफ द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक लाख फाइव टाइम्स ऑफ फीस लाख टेन टाइम्स ऑफ फीस इसके अलावा 247 में वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे सेक्रुटरी ऑडिट नहीं कर पाओगे इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाओगे किसी कंपनी की और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन सिक्स मंथ्स बट मैक्सिमम अप टू टेन इयर्स इसके अलावा नफरा के रूल्स में आ जाइए नफरा के रूल में सिर्फ एक चेंज है और वो है रूल नंबर फाइव में एवरी ऑडिटर उसको जो अपने रिटर्न भरनी है वो पहले तीस अप्रैल होती थी अब तीस नवंबर होगी पहले फॉर्म का नाम नंबर नहीं लिखा गया था रूल में अब लिखा गया है नफरा टू नफरा ये कंपनी ऑडिट के चेंजेस हैं। दूसरा चेंज कॉरपोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में है जो सेबी ने सर्कुलर इशू किया था इन रिलेशन टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर तीसरा चेंज प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में है और यह चेंज है गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग ऑफ फॉर्म्स कॉरपोरेट गवर्नेंस में सेबी सर्कुलर एज टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स ये दोनों चेंजेस इनकी वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं मई ट्वेंटी की अमेंडमेंट्स में बट अब मैंने एक काम और किया है कि मैंने मे ट्वेंटी का लिंक हटा दिया है अपनी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल से और लिंक आपको दे दिया है नवंबर ट्वेंटी का उस नवंबर ट्वेंटी के लिंक में यह सब ऑलरेडी कवर कर दिया है मैं दिखा देता हूं आपको जो हमारी वेबसाइट पर नॉलेज पोर्टल है एल एम एस नॉलेज पोर्टल इसमें आप फाइनल के अंदर जाएंगे एडवांस ऑडिटिंग के ऊपर और अमेंडमेंट्स को क्लिक करेंगे तो अब यहां पर आपको मे ट्वेंटी का लिंक नहीं मिलेगा नवंबर ट्वेंटी का लिंक मिलेगा ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट्स रेफर स्टडी मटेरियल अगस्त ट्वेंटी अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन एडिशन एंड अकेडमिक अपडेट जिसके थ्रू मैंने अब ये डिस्कशन की है इसमें एक वीडियो जो पुराना है पिछली बार का जिसके अंदर नेटवर्किंग की गाइडलाइंस हैं और सेबी का सर्कुलर है यह वीडियो आपको यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपका प्ले हो जाएगा मैंने प्ले कर दिया है तो यह वीडियो आपका प्ले हो जाएगा प्ले कर दूं तो यह चल भी सकती है क्लास यहीं पर ऐसे ही और आप देख भी पाएंगे So, ये वाला वीडियो आप इसका लिंक नॉलेज पोर्टल पर दिया हुआ है यहां से आप इसको देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको ये दोनों प्रोफेशनल एथिक्स का जो टॉपिक था गाइडलाइंस ऑफ नेटवर्किंग का और दूसरा टॉपिक आपका ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का टॉपिक आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो चेंजेस थे कॉरपोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में दो चेंजेस थे वो चेंजेस थे एक चेंज जो सेबी एल का था वो चेंज स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है अगस्त 2019 के और दूसरा सेबी सर्कुलर का सेबी सर्कुलर का तो इस वीडियो में वो दोनों ही चेंजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स में गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग और सेबी एल में ऑडिट कमेटी के रेगुलेशन में जो चेंज था और इसके अलावा जो सेबी का सर्कुलर रेजिग्नेशन वाला था वो इस वीडियो में गिवन है इसके अलावा एक और चेंज था एंड दैट वाज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के टॉपिक के अंदर वो चेंज स्टडी मटेरियल के थ्रू था ना तो आरटीपी में उसको कवर किया गया था ना ही उसको अकेडमिक अपडेट में कवर किया गया था उसके नोट्स इस लिंक को क्लिक करोगे तो इसके नोट्स आपके पास पूरे आ जाएंगे ये नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे जो चेंजेस हुए थे एनबीएफसी में मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड किया हुआ है और इसके वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे अमेंडमेंट वीडियो ऑफ एनबीएफसी तो एनबीएफसी का वीडियो प्ले हो जाएगा आपका राइट right? सो so, ये टोटल अमेंडमेंट्स है अब इसके अलावा इंस्टीट्यूट एक अमेंडमेंट को कवर करना भूल गया माइट भी हो सकता है कोई कोरिजेंडम आ जाए और नहीं आता है तो बड़ी अच्छी बात है और वो अमेंडमेंट है जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड एंड टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जिसका नवंबर 2019 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था और फॉर्म नंबर जीएसटी आर नाइन सी के अंदर कुछ एग्जामेशन कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई थी तो अभी तक अकेडमिक अपडेट में उन्होंने इसको कवर नहीं किया है हाँ मैंने उसका एक नोट आपकी बुक में लगा रखा है यदि लेटर ऑन इंस्टीट्यूट उसको अप्लाई करा देता है तो मैं वो नोट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बट अभी उसकी मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है ये एक छोटा सा चेंज था और ये छोटा सा चेंज अपने आप में बहुत बड़े प्रोविजन देता है जो नया एडिशन है बुक का उसके अंदर मैंने ये चेंज लगाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्टीन नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन नंबर 56 ऑब्लिक 2019 के थ्रू सीजीएसटी सेवंथ अमेंडमेंट रूल्स 2019 थाउजेंड इशू किए थे और उन रूल्स के अंदर हमारे सामने ये कुछ पॉइंट्स निकल करके आते थे और नहीं कि कहां पर आपको कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग ऑप्शनल मैनर तो इन चीजों को अपडेट में तो इन माय ओपिनियन कि उनको शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा तो नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है बात ही खत्म हुई चलिए तो ये तो हो गई हमारी अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू नंबर एक कंपनी ऑडिट नंबर टू ऑडिट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नंबर तीन प्रोफेशनल एथिक्स नंबर चार टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट के बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा तो आप भी आराम से जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी के बेस पर अपने एग्जाम्स को दीजिए कारो 2020 वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बता चुका है नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं होगा और इसके अलावा तो बस कुछ और बचा ही नहीं तो ऑडिट की अमेंडमेंट तो ये लगभग आधे घंटे में हो गई कवर बस इसके अलावा और नया कुछ भी नहीं है अच्छा अब बात कर लेते हैं लॉ की अमेंडमेंट्स के तो अब लॉ की अमेंडमेंट्स पर आ जाइए जैसे यह एक एकेडमिक अपडेट इंस्टीट्यूट ने हमें ऑडिट के लिए दिया है ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट ने लॉ के लिए भी इश्यू किया है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ रेलिवेंट अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 ट्वेंटी एग्जामिनेशन अब लॉ की अमेंडमेंट्स को भी आपको इसी तरह से दो पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा दो पार्ट नंबर एक इंस्टीट्यूट कहता है हमारा अगस्त 2019 का एडिशन देखो एंड नंबर दो उस अगस्त 2019 के एडिशन के बाद जो ये अमेंडमेंट्स हमने आपको प्रोवाइड की हैं उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से आप काम करो जैसे पहली अमेंडमेंट वो है चैप्टर नंबर वन में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जिसमें रूल नंबर सिक्स नया इंट्रोड्यूस किया गया है पुराना रूल सब्सटीट्यूट कर दिया गया है पुराना रूल सब्सटीट्यूट हो गया है पूरा इसके अलावा कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल्स में जो ये रूल सिक्स आया यही रूल सिक्स फिर दोबारा से चेंज भी हो गया जो ये रूल सिक्स है पहले तो पहले आप ये रूल सिक्स पढ़ो उसके बाद रूल सिक्स के अंदर फिर आप इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद फिर रूल सिक्स में जो आगे चेंज है फिर आप उस चेंज को वापस से पढ़ो जैसे इन सब रूल वन इन क्लॉज ए तीन महीने का पीरियड आप पांच महीने पढ़ो अच्छा ये क्या है ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं ये पीरियड है यहां पर सी तो दिया ही नहीं इन्होंने बहुत ये ही ये 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 ए, ए, अच्छा ए, तीन महीने इनिशियली ये रूल आया दिसंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो पर्सन ऑलरेडी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड है कंपनी में वो इस रूल की कमेंसमेंट के तीन महीने के अंदर अंदर उनको एक काम करना है और वो काम क्या करना है उनको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है टू गेट देयर नेम एंटर्ड इनटू द डाटा बैंक ओके फिर ये रूल जो है चेंज हुआ और तीन महीने की जगह इसके अंदर टाइम आ गया पांच महीने का इसका सब रूल फोर अब ये सब रूल मुझे नहीं लगता क्या ये तरीका सही था इंस्टीट्यूट का पहले उन्होंने पुराना रूल दिया पूरा जो एक दिसंबर 2019 से आया उसके बाद फिर इस रूल को जो 28 फरवरी 2020 से आया वो दिया अब पहले तो आप ये पढ़ लो इसको पढ़ने के बाद फिर आप ये भूल जाओ और अब आप ये पढ़ लो ये पढ़ लो इन्होंने अकेडमिक अपडेट्स को बनाते वक्त जो एक काम किया वो प्योर जो बेयर रूल्स हैं बेयर ड्राफ्ट है लॉ का एक्ट का वहीं से प्रोविजंस को उठा करके दे रखा है अब इस तरीके से मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम्स आएंगी हो सकता है आपको यह तरीका कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बट इसका मैंने एक जो सॉल्यूशन सोचा था वो मैं आपको दिखा देता हूं इनके मैंने आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर वन के अमेंडमेंट चैप्टर टू की अमेंडमेंट थ्री की अमेंडमेंट चैप्टर फाइव सिक्स एंड नाइन की अमेंडमेंट सिक्योरिटी लॉ की अमेंडमेंट फेमा की अमेंडमेंट पार्ट वन फेमा की अमेंडमेंट पार्ट टू फेमा की अमेंडमेंट पार्ट थ्री पीएमएलए एंड एफ सी आर ए की अमेंडमेंट एंड आई बी सी की अमेंडमेंट अब जैसे यही रूल सिक्स की मैं बात करता हूं आप यहां पर क्लिक करेंगे नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे अच्छा एक अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं की है बट मैंने तो उसको कवर कर लिया अब आप छोड़ देना क्योंकि के अपडेट में तो आई नहीं वो रेजिडेंट डायरेक्टर के, के केस में रिलैक्सेशन थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये वाली अमेंडमेंट वन पॉइंट टू टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रूल नंबर सिक्स इन्होंने दिया उसके रिलेशन में जो पहला चेंज था सेक्शन 150 के अंदर एक ये नोटिफिकेशन जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है फिर ये रूल नंबर सिक्स आ गया रूल सिक्स ने क्या प्रोविजन दिए रूल सिक्स वन इसके अंदर सीधा जो आपका लेटेस्ट प्रोविजन था तीन महीने को सात महीने में कन्वर्ट कर दिया गया वो मैंने यहां पर ले लिया अच्छा तीन को पहले किया गया पांच और पांच को बाद में और आगे बढ़ा दिया गया इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हुआ है वो वीडियो जब आप इस चैप्टर के साथ इस लिंक को क्लिक करेंगे वीडियो के पार्ट वन सेक्शन वन फिफ्टी एंड रूल सिक्स तो आपका ये वीडियो प्ले हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ डाटा बैंक का सेलेक्शन ऑफ डाटा बैंक का आपका ये वीडियो प्ले हो जाएगा इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट प्रोविजन आपको एक्सप्लेन किया है डाटा बैंक का रूल सिक्स डाटा बैंक के प्रोविजन क्या साइमल्टेनियसली इसमें एक और नए रूल इशू हुए थे जो स्टडी मटेरियल ने तो कवर नहीं किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं वो रूल थे कंपनीज Creation and maintenance of data bank of independent director 2019 मैंने इस वीडियो में इन रूल को भी कवर किया हुआ है क्योंकि अब एकेडमिक अपडेट में इन्होंने इन रूल्स को सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया आप इनको छोड़ सकते हैं अच्छा जो ये टाइम पीरियड था थ्री मंथ सेवन मंथ सेवन मंथ के बाद ये तेईस जून दो को दस महीने हो गया तो जो ये टाइम पीरियड है ये पूरी तरह से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने तो आप चाहें तो यहां से कवर कर लें, नोट्स आपको यहां पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे जिस जिस चैप्टर में जो जो चेंजेस हैं, या फिर दूसरा अल्टरनेट है आपके पास ये अच्छा ये जो पांच महीने का प्रोविजन था पांच को सात बनाया गया सात को दस बनाया गया अब पहले इन्होंने तीन किया तीन को पांच किया पांच को सात शायद नहीं किया इन्होंने पांच का सात ये रहा आगे पांच का सात ये रहा तो इस तरीके से रूल बनाने का एग्जैक्ट उन रूल को तीन तीन बार लिखना कि पहले रूल आया तीन का तीन के बाद हुआ पांच का पांच के बाद हुआ सात महीने का सात के बाद एक्चुअल में ये दस महीने का हो चुका है लेकिन ये रूल जो चेंज हुआ ये हुआ तेईस जून को आपको अमेंडमेंट कवर करनी है तीस अप्रैल तक की सात महीने थ्री क्रॉस करो फाइव क्रॉस करो सेवन अप्लाई होगा जिनका नवंबर में एग्जाम है जिनका अगले साल 2021 में एग्जाम है वो दस लेकर चलेंगे तो इस तरीके से जो चैप्टर वाइज चेंजेस हैं फिर दूसरा चैप्टर इन्होंने लिया मैनेजरियल पर्सोनल का रूल एट ए का चेंज रूल नंबर नाइन का चेंज मीटिंग ऑफ बोर्ड्स का चैप्टर रूल नंबर पंद्रह का चेंज देयर आफ्टर रूल नंबर फोर का चेंज फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कुछ एग्जामशंस तो आप या तो यहां से पढ़ सकते हैं एक तरीका साथ में जो भी बुक आप लेकर चल रहे हैं दूसरा एस्पेक्ट यहां पर चैप्टर वाइज नोट्स हैं अब जैसे मैं इसी चैप्टर को क्लिक करूं चैप्टर नंबर टू मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस है सेक्शन 173 के अंदर बोर्ड मीटिंग में एक चेंज है ये रेड कलर से मार्क है Then, उसके बाद रूल नंबर फोर में चेंज है ये रेड कलर से मार्क है देर आफ्टर सेक्शन 186 का एक चेंज है रेड कलर से मार्क है फिर सेक्शन 188 के अंदर रूल नंबर 15 में चेंजेस हैं ये रेड कलर से मार्क करे हुए हैं मेन प्रोविजन के साथ ताकि आप क्या प्रोविजन पढ़ रहे हैं और उसमें क्या चेंज आया है वो आपको इजीली पता चल सके मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इन चेंजेस को समझने में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैंने पूरे-पूरे टॉपिक -पूरे को कवर अप किया है कि जैसे 1881 के फर्स्ट प्रोविजोज के अंदर रूल 15 में चेंज था तो मैंने कंप्लीट रूल 15 चेंज कर दिया उसके साथ यहां पर फिर गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जंपशन में चेंज था मैंने वहीं पर जो चेंज था उसी में आगे उसके कलर को चेंज कर दिया फिर गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जामेशन में चेंज था अब या तो आप यहां से पढ़ सकते हैं दूसरा तरीका कि जैसे इन्होंने कहा पहले ये एग्जामेशन हुआ करती थी अब यह पॉइंट आया है चेंज क्या आया ये वर्ड चेंज आए और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और इन कंबिनेशन देयर ऑफ और ये चेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी इन नोट्स में पहले से ही इस तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं रेड कलर से मार्क करके हर एक चैप्टर के चैप्टर वन के चैप्टर टू के चैप्टर थ्री के डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया उसके अलावा फिर कंपनी लॉ के बाकी जितने चैप्टर्स में चेंजेस हैं चैप्टर फाइव सिक्स एंड नाइन में वो मैंने इकट्ठे कर दिए देयर आफ्टर सिक्योरिटी लॉज के चेंजेस एस के एंड सेबी के उनको इकट्ठा कर रखा हुआ है उन चेंजेस को उनको चेंजेस को भी आप देखें तो टॉपिक वाइज कंप्लीट चेंज आपको अवेलेबल हो जाएगा इस नोट्स में कुछ है शायद फाइल में देखिए तो इसमें आपको दोनों सिक्योरिटीज लॉस के जो चेंजेस हैं चैप्टर थर्टीन एस का है उसका चेंज मिल जाएगा कहां पर बीच में ही क्या चेंज आया है और वो चेंज फाइनेंस एक्ट 2019 का है फिर चैप्टर फोर्टीन सेबी का है उसके जो चेंजेस है वो चेंजेस सारे आपको सेक्शन पंद्रह सी का सेक्शन पंद्रह एफ का पंद्रह एच डबल ए का चेंजेस सारे आपको रेड कलर के अंदर मिल जाएंगे रेड कलर के अंदर अच्छा सेबी एल के अंदर चेंज आया वो भी आपको लास्ट में रेड कलर में मिल जाएगा फेमा का चेंज फेमा का जो पार्ट वन का ये चेंज आपको दिया है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का ये चेंज स्टडी मटेरियल के थ्रू आया था अकेडमिक अपडेट में कवर नहीं है तो ये चेंज आपको अकेडमिक आप जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है अगस्त 2019 का वहां से कवरअप करना पड़ेगा या फिर दूसरा तरीका है कि आप नॉलेज पोर्टल पर जाइए यहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए सेम वे में पार्ट टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोमिंग एंड ओडीआई इंस्टीट्यूट के कंटेंट को देखते हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोमिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोमिंग वो टॉपिक आपको मिलेगा अकेडमिक अपडेट में मतलब आरटीपी में और जो बाकी दो टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का वो टॉपिक आपको मिलेगा अगस्त 2019 के स्टडी मटेरियल में फिर फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015 इसका चेंज आपको अकेडमिक अपडेट में मिलेगा या फिर यहां से डाउनलोड कर लो छोटा सा चेंज है कहां कहां चेंज है वो रेड कलर के अंदर मार्क किए हुए हैं सो इन दिस मैनर मैंने इन सारे टॉपिक्स को पांच मेन पार्ट्स में, पार्ट में डिवाइड किया है लॉ के अंदर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं। पांच पार्ट में पहला पार्ट कंपनी लॉ का दूसरा पार्ट सिक्योरिटी लॉ का तीसरा पार्ट फेमा का फोर्थ एफसीआरए का एंड फिफ्थ आईपीसी का कंपनी लॉ के अंदर तीन डिवीजन की हुई है रादर चार डिवीजन डायरेक्टर का चैप्टर वन डायरेक्टर चैप्टर टू डायरेक्टर चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फाइव सेवन नाइन चैप्टर फाइव सेवन नाइन के अंदर आपका कॉम्प्रोमाइज का चैप्टर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर और उसके बाद एक मिसलेनियस कंपनी वाले चैप्टर्स में जो चेंजेस है निधि कंपनी के अंदर एंड देयर आफ्टर फिर सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटी लॉ एस सी आर एंड सेबी फेमा के अंदर काफी सारे चेंजेस थे तो उसको पार्ट थ्री में डिवाइड कर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इनके वीडियोज फेमा के वीडियोज लगभग सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं वो आप लोगों को इनके लिंक मिल जाने हैं सारे यहीं पर कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स में आप रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा और जैसे जैसे वो अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड होती चली जाएंगी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं उनके लिंक आपको यहीं पर मिलते चले जाएंगे मेजर अमेंडमेंट फेमा की थी उनके वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर चुका हूं so, सो या तो आप यहां से पढ़ लेना या फिर दूसरा तरीका कि जो इंस्टीट्यूट ने अपना ये अकेडमिक अपडेट दिया है उसने भी चैप्टर वाइज दिया है बट थोड़ा सा इशू क्या आ गया कि ये क्या कर रहे हैं कि पहला लॉ क्या था नया लॉ क्या है उसके बीच में से सलेक्टेड वर्ड्स को उठाते हैं और बताते हैं जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पुराना नया पुराने को हटाकर जहां नया आया तो वहां मैंने पुराना नहीं दिया रादर रेड कलर से नया प्रोविजन लिख दिया ताकि आपको नया प्रोविजन ही याद करना है और किस प्रो किस प्रोविजन के रेफरेंस में वो चेंज हुआ है वो पता होना चाहिए अब जैसे यदि मैं ये पढ़ू इन सबसेक्शन एट फॉर द वर्ड इफ द डायरेक्टर अब सबसेक्शन एट क्या है इसकी तो डिटेल लिखी नहीं सब सेक्शन नाइन में ये चेंज हो गया सब सेक्शन टेन में जुडिशल मजिस्ट्रेट को स्पेशल कोर्ट से चेंज कर दिया इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इसके साथ आपको अपनी टेक्स्ट बुक को रखना पड़ेगा बट जो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं उनके साथ आपको एज सच टेक्स्ट बुक नहीं भी रखते हैं तब भी काम चलेगा रीजन मैंने पूरा डिटेल्ड प्रोविजन दिया है आपको वहीं पर और जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है So, ये सारे चेंजेस अब इस एकेडमिक अपडेट की बात करें तो इसके अंदर अराउंड 52 पेजेस हैं हर एक चैप्टर के चेंज चैप्टर फाइव का चेंज आ गया अरेंजमेंट्स का ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का चेंज आ गया देयर आफ्टर निधि कंपनी का वाइंडिंग अप का एक छोटा सा चेंज था फिर निधि कंपनीज के प्रोविजंस में चेंज आ गया वो आ जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी लॉज के चेंज आ गए सेबी में और एस के अंदर क्या चेंज आए अच्छा अब इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट का जब स्टडी मटेरियल आया अगस्त 2019 का उससे पहले चेंज आ चुके थे बट स्टडी मटेरियल में उन्होंने अपडेट नहीं किया जैसे ऑडिट में नफरा का सेक्शन 132 फोर बट अब इन्होंने क्या किया फाइनेंस एक्ट 2018 के चेंजेस जो 8 मार्च से आ चुके थे ये आपके स्टडी मटेरियल में होने चाहिए थे अगस्त 2019 के, आपने नहीं डाले ठीक है अब वो फिर एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले ये सारे प्रोविजन एस के चल रहे हैं उसके बाद प्रोविजन फिर सारे अच्छा ये तो फाइनेंस एक्ट के बेसिस पर दे रहे हैं फिर इकोनॉमिक लॉ का चेंज आ जाएगा फेमा का फेमा का इस अकेडमिक अपडेट में इन्होंने सिर्फ एक चेंज बताया है और वो चेंज है ईसीबी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का रेजिडेंट इन इंडिया इन्होंने कवर नहीं किया ओडीआई इन्होंने कवर नहीं किया और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एस्पेक्ट को यहां पर इन्होंने कवर नहीं किया ये सारे फिर स्टडी मटेरियल से करो सो so, अराउंड 52 पेजेस कि ये अमेंडमेंट है जो इंस्टीट्यूट ने दी है या या तो से कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको दूसरी ऑप्शन दी है कि नॉलेज पोर्टल के ऊपर हमारी वेबसाइट पे नवंबर 2020 एग्जाम यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इनके रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे इनके वीडियोस काफी अपलोड जो मेजर पार्ट था वो अपलोड हो चुका है फेमा का और कुछ अब जो छोटे छोटे से पार्ट बचे हुए हैं वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं अपलोड करता रहूंगा राइट right? ऑडिट की अमेंडमेंट्स तो एक तरीके से सारी की सारी की आप लोगों को अवेलेबल हो ही चुकी है सर्कुलर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का एंड नेटवर्किंग की गाइडलाइंस वो ऑलरेडी मे ट्वेंटी के लिए एप्लीकेबल थी और उसको हम पहले से ही कवर कर चुके हैं सो so, बाउट द अमेंडमेंट विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम में यदि इंस्टीट्यूट आगे कोई भी और नोटिफिकेशन इश्यू करता है किसी चीज को एड ऑन करता है या किसी पार्ट को डिलीट करता है तो फिर वो हम जैसे जैसे इंस्टीट्यूट इन नोटिफिकेशन को लाएगा यदि लाता है तो तो वैसे वैसे हम भी इसके ऊपर आगे काम करते रहे ठीक है तो इस सेशन को अब यहीं पर करते हैं ओवर अच्छी तरह से मेहनत करिएगा और अच्छे नंबरों से पास होइएगा। मे 2020 का अटेम्प्ट खत्म हो गया बट नवंबर 2020 के अटेम्प्ट को मानकर चलिएगा जिनका भी पेपर है नवंबर 2020 में कि यह आपका फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए इसी अटेम्प्ट में आप अच्छे नंबर से पास होकर जनवरी 2021 में जब रिजल्ट आए तो आपके साथ सीए वर्ड जुड़ सके चलो यू ऑल द बेस्ट बाय बाय